तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ आपका इस नए व्लॉग में। तो सुबह सुबह मैं दो काम कराए, एक तो कुत्तों की जो फीड थी वो ले आया और एक मैं अपनी निकाहपोश की जो फीमेल थी वो ले आया, क्योंकि मेरे पास दोनों मेल थे तो एक फीमेल मैंने कहा है कि मुझे मंगा दो और एक फीमेल मैं ले आया क्योंकि वो मेरे दोस्त के पास ही थी। तो उसका एक जोड़ा तो कंप्लीट हो गया, बट अब मेरे को चाहिए एक तो शॉर्ट फेस का मेल चाहिए, एक नकाब की फीमेल चाहिए। तो वो जल्दी से जल्दी आ जाएंगे और वो करते हैं, उनको भी ऐड करेंगे कुछ दिनों में। बाकी मैं जो एक फीमेल थी वो आज ले आया, साथ में जो कुत्तों की फीड है वो भी ले आया मैं। और बाकी आज जो भी काम है आपको दिखाते हैं क्या किया है और क्या नहीं। तो जो ये ऊपर केज के ऊपर बैठा है ये मेल है एक, और नीचे जो है अपने दो ब्लैक में जो नकाबपोश दिख रहे हैं ये दोनों जोड़ा है, मेल फीमेल है। और उधर वो सेंटिनेंट और अमेरिकन फैंटेल हो गया, एक ऊपर सेंटिनेंट और अमेरिकन फैंटेल हो गया और शॉर्ट फेस बैठी है। तो आज इनके मतलब कि आप वो ईंटे लगा के इनके बॉक्स बना देंगे ताकि जो भी अंडे वगैरह ये शुरू कर दे अपना रखना, और इनका इंतज़ाम आज के दिन ही कर देंगे ताकि मुझे लग रहा है क्योंकि अंडे कुछ दिनों में ही शुरू कर देंगे। तो पहले तो देखूंगा पैर कैसे लगे हैं, सही पैर लग चुके हैं तो मैं शुरू करूंगा, वरना इनको अलग अलग करके कुछ दिन पैर बना के। ये नकाबपोश का तो पैर पहले का लगा हुआ था क्योंकि ये जहाँ से लेके आया था वहीं से फीमेल लेके आए हैं, तो ये पैर पहले का था। बाकी इनका दूसरों को मैं देखता हूँ, सेंटिनेंट का मुझे अभी कन्फर्म नहीं हुआ है और अमेरिकन फैंटेल भी अपना कन्फर्म है, और अब नकाबपोश की फीमेल लेके आनी है तो वो जल्दी से लेके आएंगे। बाकी आपको और दिखाते हैं, इनको घास वगैरह डालनी है, इनको दाना डाल दिया कुछ खा लिया और यहाँ बैठे हैं, एक अंडा भी दे रखा है। टर्की का भी मेल बोला है जल्दी से जल्दी आ जाए, उतना ही फ़ायदा है। बाकी ये भी अपना दाना खा रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा देखो वाइट वाइट वो भी अपना घूम रहा है। और ये रही अपनी घोड़ियाँ, इनको पार्क में जो घास कट गया था खबर वो इनको डाल रहे हैं। और ये देखो अपनी बच्ची केसर हो, केसर इसके कानों वाले बाल काटने पड़ेंगे। ये देखो मारेगी। फेड आ चुकी है, 20 किलो का गट्टा ये फेड में ले आया था, और क्योंकि ख़त्म हो गई थी दो तीन दिन से फीड पड़ी नहीं तो फीड भी आ गई है। और बाकी अब इनको जो भी है डाइट में फीड भी ऐड कर दूंगा ग्रोथ के लिए, ये मेन ग्रोथ की फीड है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। और इसके बाद जो भी अपना एक मैं पिजन भी ले आया जो अपनी नकाब की फ़ीमेल थी, वो दोनों मेल थे, फीमेल थी नहीं तो मैं एक फ़ीमेल ले आया, और अब एक फ़ीमेल और मैंने बोला है किसी को कि आ जाए तो बढ़िया रहेगा। ये बेचारी कुछ नहीं कहती, ये सारे दिन मेरे पास आई रहती है। अब इसका जो दाना है वो थोड़ा बढ़ाना हो ताकि ग्रोथ अपनी ग्रोथ में कोई दिक्कत ना आए। और बाकी जो डक्स हैं अपनी बच्चे तो एकदम सही है, बच्चे अंदर ही रख रहता हूँ और घंटे कुछ इतने टाइम में बाहर निकालता हूँ ताकि घूम ले और अपना जो भी है करना खाना पीना वो कर ले। एक बच्चे की मुझे ना थोड़ी दिक्कत लग रही है, उसके जो इधर में से सेकेंड नंबर पर है उस बच्चे की उधर वाली आँख में ना कोई दिक्कत हो रखी है, तो वो मैं चेक करता हूँ क्या दिक्कत है। हाँ आँख बंद हो रखी है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रखी है, तो चेक करते हैं। ये इसको देख लो, जोरो को देख लो, मतलब सबसे पंगे ले, एलेक्सा से सबसे ज़्यादा पंगे लेता है ये। ओए जोरो, ये इसको आया, ये बहुत सारे दिन पंगे लेता है और इसके साथ भी बहुत लड़ता है, हद से ज़्यादा लड़ता है इस बेचारे के साथ भी। आँख साफ कर, इसके गेट पता नहीं इतना क्यों आता है, बट कोई नहीं। और ये तो अपना अपनी अपनी मस्ती में रहती है, एलेक्सा के साथ ज़्यादा खेलती है, जो अपनी हस्की ना उसके साथ ज़्यादा खेलती है। हाँ, कैमरा चौट गई गंदी। तो और ये पंगे खोर, वो बेचारा अपना मस्त अपना मौज मस्ती, ये गिराएगी मुझको, गिराएगी, चल। तो बाकी वो देखो उधर खेलते रहते हैं पार्क में, वो रोमियो अपना सोया रहेगा और ये मेरे पास रहती है ज़्यादातर, मतलब कि मेरे साथ साथ, मतलब भरोसे वाली सिर्फ ये एक ही है। लेब्रा सच में बहुत लॉयल रहते, सिट सिट सिट, हाँ बेइज्जती नहीं करवाई, शुक्र है, नहीं तो कभी कभी बैठे ना तो बेइज्जती से हो जाती है ना। बाकी ये बेइज्जती नहीं कराती है ना, लेक्सो
चलो घूम ले घूम ले स्टैंड। शाबाश, पूरा सुनने लगी है तो चल खेल ले। और बाकी मैं उधर वाली घोड़ियाँ आपको दिखा के लाता हूँ कि क्या चल रहा है और कैसे हो चुके, कितना बड़ा बच्चा हो रखा है। और वो देखो तीनों लड़ी जा रही है अपना। तो घास तो आ चुका है और अब जो अपने खरगोश है उनको घास डाल रहे हैं, इनको तो डाल दिया है। और इधर वाले रह चुके हैं तो इनको डाल रहे हैं अभी। ये बेचारे भूखे हुए हैं, जाला लगाओ, ये साफ करना पड़ेगा। तो इनको भी घास डाल दिया है और ये अपना खा लेंगे अपने मस्ती से। मैंने ना एक काम करना था, एक बार ना इनको देखना था कि ये जोड़े कैसे लग रखे हैं। थोड़ा संभालना पड़ेगा क्योंकि ये इसके साथ घूमता रहता है, वो पता नहीं किसके साथ, वो ऊपर ही बैठे रहते हैं दो तीन। ये चैन 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 सारे दिन चुप नहीं रहते एक दो। और ये इनको इनको भी घास डाल दे बंधन। हाँ डाल दे। और इसको देखो, इसको ये सारे दिन घूमता रहता है यहीं इधर उधर कभी किधर। तो वो डक्स अपनी जो बड़ी डक्स है, इनके पौंड का पानी भी ख़त्म हो रखा है, वो भी भरना है। बाकी पानी इधर डाल देते हैं और ये गंदा कर देती है पानी 5 ही मिनट में। बट अभी इनको पानी डाल देते हैं क्योंकि आजकल कम नहाने लगी। और इसके ना मेल के देखो तो छोटे छोटे पंख, नए पंख आने लग गए क्योंकि पुराने वाले इसने झाड़ दिए। अब बहुत अच्छा कोट आएगा इसके, जो नए पंख आएंगे बहुत सुंदर लगे। ये देखो पानी तो भाई साहब ऐसे पीते हैं, डोंगे भर रखे हैं पानी के और यहाँ से पियेंगे बाल्टी से। अलग ही स्वैग है ये, देखो अपने मस्ती करता रहेगा। चल ये अपना चला जाएगा। तो चलते हैं उधर वाली घोड़ी भी संभाल आते हैं कि क्या कंडीशन है घोड़े की और क्या चल रहा है। बाकी धूप बहुत अच्छी आ रही है, सुंदर लग रहा हूँ, काफ़ी सुंदर लग। बाकी उधर वाली घोड़ी देख के आते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या कंडीशन है। वैसे मैं तो रोज़ ही देखता हूँ बट आपको दिखाना है। और ये जोरो बहुत तंग करता है मुझे। तंग तो क्या करता है, मतलब अपनी मस्ती में रहता है, बाकी ठीक है। बहुत अच्छा गार्ड डॉग है और मेरे को मतलब कि बहुत हेल्प कराएगा इधर उधर उधर जो भी काम है और इन सब चीज़ों के लिए। उस साइड गया था, मुझे घोड़ी तो दिखी नहीं, वो बाग में चली गई थी। तो फिर मैं वापस आ गया, मैं चलो जो अपना ज़रूरी काम है पहले वो कर लेते हैं। ज़रूरी काम ये है कि जो अपने पिजन है उनके लिए मतलब कि बॉक्स टाइप कुछ बनाना है कि जिसमें वो अंडे दे सकें, और मतलब कि ब्रीडिंग बॉक्स मतलब कुछ भी कह लो कि जगह हो जाए, एक प्लेस हो जाए जहाँ पे वो अंडे दे सकें। तो वो पे सबसे पहले वो काम करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अभी तो मैंने ईंटें मंगवा ली और एक मतलब कि प्लस्तर सा हो गया, वो जो भी हो गया मतलब कि लकड़ का कुछ लगा देंगे कि एकदम अपने आप जो जगह है वो तैयार हो जाए। बाकी मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या चीज़ बनने वाली है और क्या नहीं। तो मैंने अभी तो ऐसा कुछ किया है मतलब टेम्परेरी थोड़ा काम कि थोड़ा बहुत हो गया है, बट मैं ट्राई करूँगा कि इसको कल थोड़ा चेंज किया जाए और सुंदर बनाया जाए क्योंकि मेरे को एकदम अभी हो गया था। तो उस वजह से मैं नहीं जा मतलब कि कंप्लीट या मतलब कि थोड़ा सुंदर बना नहीं पाया क्योंकि मुझे ना अभी कुछ काला वाले जाके कुछ सामान लेके आना था। तो मैंने सोचा पहले वो काम ज़रूरी है, ये तो कल भी हो जाएगा, बट रात तक देख लूँगा। अगर कबूतरों के थोड़ा ये सेट भी बैठा तो वो अपना अंदर घुस सकते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अब देखो क्या बनता है मतलब। और एक ये बात ज़रूरी है कि जो अपना सेंटिनेंट के मैं पेयर पेयर कह रहा था वो दोनों मेल निकले क्योंकि वो दोनों लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे से। तो वो मेल फीमेल नहीं है, दोनों मेल है। और जो अपना नकाब पोश का था पेयर, वो क्या नाम लेते हैं, पेयर लग चुका है मतलब कि लगा ही हुआ था और वो अच्छे से देखा तो वो सही है एकदम, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट अपना एक अमेरिकन फैन टेल का भी जोड़ा डन है, वो भी पक्का मतलब कि मेल फीमेल है। और बाकी धीरे धीरे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ नहीं है मतलब कि वो कंप्लीट करेंगे। अब अपने पास लगभग 3-4 चीज़ों की कमी है, मतलब कि पेयर की कमी है,
जो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे और उनके पेयर कंप्लीट करके उनसे ब्रीडिंग लेंगे, ब्रीडिंग से अपने जानवर और हो जाएंगे और ज़्यादा जितने ज़्यादा जानवर उतना अच्छा अपने के लिए, क्योंकि अपने शौक है वो ऐसे ही पूरे होने, अगर कम जानवर रह गए तो शौक भी पूरे नहीं होंगे। जो अलग अलग ब्रीड है, हर टाइप की ब्रीड रखना चाहता हूँ मैं, जितनी ब्रीड मिल सकती है उतनी कम। अभी मैं सोच रहा हूँ कि फ्रिल बैक होता है एक पिजन होता है, बहुत सुंदर पिजन है, तो वो लेने का सोच रहा हूँ और वो अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा उसने रेट ज़्यादा बोला है जो बंदा था, बट वो कुछ कर देगा, कम वगैरह कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया अपने, तो वो मैं ले लूँगा। और फ्रिल बैक बहुत ज़्यादा सुंदर कबूतर होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले तो उन्हीं का है मैं, मगर अगर कुछ भी हो जाए वो तो मेरे को लेने ही लेने हैं। कि थोड़े दिनों में आपको दिखा दूंगा लेके, और बाकी आपको जो एक फ्रिल बैक हो गया, एक टर्की शॉर्ट फेस और दो तीन चीज़ें और मैं कुछ सोच रहा हूँ कि दो तीन और, बैंटम का एक बहुत सुंदर पेयर देख रखा है मैंने, वो ज़रूर लेके आऊँगा। बैंटम का पेयर मुझे बहुत ज़रूरी है कसम से, मतलब कि बैंटम होगा तभी अच्छा लगेगा फार्म, मतलब एक दो मुर्गे। और ये देखो, इनको देखो, जोरो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मस्ती करेंगे अभी, ये देखना। तो ये अपनी मस्ती में रहते हैं और पीछे अपने मतलब की खेलते रहते हैं, तो इनकी भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको धीरे धीरे बाकी जो जानवर है वो मैं सब दिखाता हूँ, और जो भी होता है मेरे से मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा और इनको मतलब कि ऐड करूँ और थोड़ा प्लांटेशन और करूँ ताकि थोड़ा सुंदर दिखने लग जाए। और बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं रोज़ अपडेट देता रहता हूँ, स्टोरी वगैरह, रील वगैरह सब कुछ डलता है। वैसे मेरे को लगभग वहीं से सब्सक्राइबर तो वहीं के हैं, बट फिर भी ये बात बोल रहा हूँ, कहीं नहीं होते तो वो देखते हैं जो, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको अभी थोड़ा बहुत और दिखाते हैं। अपने मुर्गे को पता नहीं क्या हो गया, एकदम मुंह नीचे करके सो रहा है, तो मैं एक बार जाके चेक करता हूँ क्या दिक्कत हुई है। ये तो पता नहीं क्या हो गया, एकदम पता नहीं, अभी तो कुछ देर पहले सही घूम रहा था, इतनी देर में एकदम डाउन हो चुका है, पता नहीं क्या दिक्कत हुई है। तो इसको मैं एक बार छोड़ देता हूँ, मैं कोई दिक्कत वगैरह ना हो। बहुत सुंदर मुर्गा है भाई ये, इसके कुछ ना हो जाए। ये देखो इसकी नाड़ ना ऊपर करके, मुझे समझ नहीं आ रहा वैसे हुआ क्या है, बट इसकी नाड़ है ये ऊपर करके, हाँ हुआ हुआ, थोड़ा हुआ, जान सी आई है एकदम। मैंने इसका वैसे दाने वाला थोड़ा हिला के देखा है कि कुछ वहाँ दिख, ये देखता हूँ दोबारा से, नहीं कोई। हाँ भाई चेतक है, धोखा ना दे जी, रात रात में देखते हैं भाई, अब रात कोई सुबह तक पता लगेगा कैसे क्या हालत है। बाकी इसको थोड़ी सी दारू पिला के देखते हैं, उससे सही हो जाए शायद। तो मुर्गे का थोड़ा बहुत इलाज किया है, इसके बहुत ज़्यादा चिंचड़ लग रखे थे, उस वजह से ये थोड़ा बीमार हुआ है, तो मैंने इसको नहला दिया और एक बार यहाँ रख दिया कि ठंड वगैरह ना लगे। बाकी ये यहाँ घूमते फिर रहे हैं, ये देखो, जोरो, नो नो जोरो, सो जाओ। और बाकी सारा काम डन हो गया है, बाकी चीज़ें आपको कल दिखाते हैं। तो इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को ख़त्म, और मिलते हैं नए व्लॉग में कल, नई शुरुआत। आपको मुर्गे का अपडेट है वो बहुत ज़रूरी है, वो भी दूंगा, और दो तीन चीज़ें जैसे नई आई है तो वो भी बताऊंगा, और बाकी क्या लेके आना है वो भी बताऊंगा, सब कुछ कल के व्लॉग में। और डेली व्लॉग जो है वो देख रहा हूँ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बन जाए, बट बनते नहीं है, चलो फिर भी ट्राई करेंगे। बट आज के जो व्लॉग है उसमें बिल्कुल गैप नहीं आया, मैंने अपलोड किया है आज एक व्लॉग, और कल जो आपको ये व्लॉग है वो आप कल देख रहे होंगे, मतलब कि आपके लिए वो आज होगा बट आप कल देख रहे होंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नए व्लॉग में।